बात में कोई दो राय नहीं है कि घातक भाई ने, गॉडलाइक ने, क्रॉन्टन भाई ने, अमर भाई ने, इवन गॉडलाइक के प्लेयर्स ने काफी सपोर्ट मुझे मेरी टीम को किया है, दिल से गॉडलाइक। बट वेन इट कम्स टू कॉम्पिटिशन दिमाग लगता है, दिमाग लगाना पड़ता है। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स एक दूसरे के दोस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच के अंदर विराट कोहली जीरो पे आउट होगा। कॉम्पिटिशन के अंदर इट्स टीम वन, टीम टू, टीम इलेवन, टीम सिक्सटीन, नो सोल, नो गॉडलाइक, नो आउट ऑफ द गेम वाले फ्रेंडशिप्स। सबको पता है क्या हो रहा था, पूरी कम्युनिटी को दिख रहा था, ठीक है, सामने से भी एलेज किया गया था कि गॉडलाइक एंड टीम टू, मैं नाम नहीं लूंगा, एवरीबडी नोज दैट, गॉडलाइक एंड टीम टू मिल के एक टीम को पूरा जोर लगा के रोक रही है, वो दिख रहा है, वो वेन्यू में सबको पता है, 16 की 16 टीमों को सब कुछ दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में अंदर क्या हो रहा है। नियो भाई आते हैं बिना किसी प्रूफ के, एलिगेशन लगा के जाते हैं। हाँ, जो मैसेज आया है इन गेम कि भैया ऐसे ऐसे आपको टारगेट किया जा रहा है, इट्स द वर्ड टारगेट, नॉट टीम अप। इधर से आप कह रहे हो कि वी वर प्रिपेयर्ड फॉर सोल और ग्लोबली स्पोर्ट्स केम आउट ऑफ द सिलेबस, और स्टोरी पे आप लिख रहे हो कि देख लो जी मैच शुरू होने से पहले ही पता लग गया था, आने दे। तो भाई एक चीज बोल लो, या तो तैयार थे या नहीं थे, एक चीज। दूसरी चीज बोली जा रही है कि मायावी से ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी कि वो जाके टीम्स को बोलेगा कि वो टारगेट करेगा, वो थर्ड पार्टी करने आएगा। मैं क्यों ना करूं, एक ही दिन का फाइनल है, 6 दिन के मैचेस हैं, 200% पता है कि सोल गॉडलाइक को टारगेट करेगा ही करेगा, क्योंकि गॉडलाइक और टीम टू ने पूरी जोर लगाई है कि सोल क्वालिफाई ना करे। अब वो टीम अगर क्वालिफाई कर जाएगी तो डेफिनेटली वो तो 6 के 6 मैच टारगेट करेगी, और बीइंग अ कॉम्पिटिटर हमारा फर्ज बनता है वहां पे थर्ड पार्टी करने का। मैं तो अभी भी करूंगा, आगे भी ये चीज होगी, मैं तो तब भी करूंगा।